कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भी शंकराचार्य जी महाराज ने सांस्कृतिक रूप से अपने देश को जोड़ने का काम किया। वेदों का सार वेदांत और उसको अद्वैत के रूप में उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और सारी रचनाएं उन्हें ऐसी की जैसे देश के चार कोनों में चार मठ और ये व्यवस्था भी की कि दक्षिण से पुजारी जाएंगे बद्री विशाल वहां पूजा करेंगे। ये जो भारत को एक रखने का काम किया सांस्कृतिक उसी के कारण भारत आज एक है। और उनको ज्ञान मिला, ज्ञान भूमि उनकी जन्मभूमि तो केरल थी, ज्ञान भूमि ओंकारेश्वर जहां उनको गुरु मिले, पैदल चल के आए थे 1600 किलोमीटर से ज्यादा उस समय बिहार जंगलों में किन परिस्थितियों में आए होंगे और यहां से ज्ञान प्राप्त करके फिर काशी की तरफ वो आगे बढ़े। और पूरा देश जो एक तरह से सांस्कृतिक रूप से उस समय बिखराव की स्थिति में था पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया, एक कर दिया। अब ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी को जहां गुरु मिले वहां से ज्ञान की परंपरा समाप्त ना हो और आने वाली पीढ़ियों को भी ये अद्वैत का जो ज्ञान है वो मिलता रहे, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद जी हो, स्वामी रामतीर्थ हो, सबने अलग अलग हमारे संतों ने अपनाया। यहां तक कि तुलसीदास जी ने सिया राम में सत्य ज्ञान, कबीरदास जी ने साहब तेरी साहेबी हरगट रही समय, वो एक ही भाव एक ही चेतना सब है। तो उनकी न केवल दिव्य प्रतिमा लग रही है बल्कि एकात्म धाम हम वहां बनाने जा रहे हैं, उसका भी शिलान्यास होगा। और एकात्म धाम पूरी दुनिया को आज मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे वसुदेव कुटुंबकम, ये कोई अद्वैत का बात है, पूरी दुनिया एक परिवार है, कैसा अद्भुत वातावरण है। मेरा अपना विश्वास है कि आने वाले समय में दुनिया को यही हमारा एकात्म का अद्वैत का विचार बचाएगा और इसलिए वहां इस प्रकल्प को हम लोग बनाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।